प्रिय जिज्ञासुओं, आज के एपिसोड में मैं आपको रोगों के संबंध में ज्योतिषीय विवेचना करने जा रहा हूँ। संसार में सबसे बड़ा सुख जो होता है निरोगी काया, क्योंकि छह प्रकार के सुख होते हैं और छह ही प्रकार के दुख होते हैं। तो छह प्रकार के सुख कौन से होते हैं और छह प्रकार के दुख? कुग्राम वासा कुजनस्य सेवा कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या वस मूर्खश्च पुत्रा विधवा च कन्या षड जीव लोकस्य सुखानि राजन। दुख जो है छह प्रकार के, तो कुग्राम वासा, दुष्ट मोहल्ले में निवास करना ही कुग्राम वासा। कुजनस्य सेवा, दुष्ट व्यक्ति की सेवा करना, और कुजनस्य सेवा कुभोजनम, स्वरुचिपूर्ण भोजन न होना। क्रोध मुखी च भार्या, पत्नी गुस्से वाली हो और मूर्ख संतान हो और कन्या युवा काल में विधवा हो जाए, ये सब के सबसे बड़े ये छह प्रकार दुख हैं। और सुख, सबसे बड़ा सुख क्या होता है कि अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वत्सस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या षड् जीव लोकस्य सुखानि राजन्। अर्थ की अर्निंग बराबर बनी रहे एक सुख, और शरीर निरोग रहे ये दूसरा सुख, और सुंदर पत्नी हो तीसरा सुख, और प्रिय व्यवहार करने वाली हो चौथा सुख। प्रिया च भार्या प्रिय वादिनी च, और संतान आज्ञाकारी हो और अर्थ करी विद्या हो, ये छह प्रकार के सुख माने जाते हैं। तो सबसे बड़ा सुख होता है निरोगी काया। अब जन्म कुंडली में रोग कब होगा, किन ग्रहों के कारण रोग होता है, तो इन सब चीजों का मैं आपके सामने विवेचना करने जा रहा हूं। पहले तो रोग के जो कारक ग्रह हैं, सूर्य ये हड्डी का कारक है, हड्डी से संबंधित कोई रोग होते हैं उसका कारक सूर्य हुआ। हड्डी में चोट चपेट लग जाना, हड्डी टेढ़ी हो जाना, कभी जो है सो ये गर्दन टेढ़ी हो जाती है, इस प्रकार के जो हड्डी से, और मेरुदंड का खराब हो जाना, मेरुदंड में दर्द हो जाना, रीढ़ की हड्डी में कष्ट हो जाना, ये सब हड्डी के रोग कहलाते हैं। दूसरा, और सिरोवेदना, ये भी हड्डी का रोग है क्योंकि सिर में हड्डी है, तो ये सूर्य देता है। चंद्रमा शीत के रोग देता है, सर्दी जुकाम कफ वायु विकार, और ये अपने अस्थमा जलोदर रोग होना, ये सब चंद्रमा के द्वारा होते हैं। नासिका के रोग, नासिका में होने वाले रोग, तालू में होने वाले रोग हैं, कफ कारक रोग, ये सब चंद्रमा के द्वारा होते हैं। मंगल जो है रक्त विकार करता है, खून की खराबी करता है, और ये मंगल के द्वारा ही जो है बवासीर होती है, क्योंकि वो भी रक्त संबंधित होता है। स्त्रियों में जो प्रदर होता है वो भी मंगल के कारण होता है, और मंगल जो है रोगों में जो ये रक्त विकार से संबंधित जो कैंसर है, कैंसर भी मंगल के द्वारा ही होता है। यद्यपि और भी ग्रह कारक होते हैं, लेकिन मंगल का भी उसमें योग रहता है कैंसर में। अच्छा, और मंगल का जो अंग है वो सिरोवेदना, सिर से संबंधित होता है। बुध जो है चर्म रोग देता है,
बुध जो है चमड़ी से संबंधित रोग देने वाला होता है और पागल बनाने वाला रोग भी बुध के द्वारा होता है। मंद बुद्धि होना ये भी मंगल बुध के द्वारा होता है। गुरु लीवर को खराब करता है, लीवर से संबंधित रोग देने वाला होता है गुरु। पिंडली में और कमर में दर्द होना ये भी गुरु का ही कारण होता है। जिसका गुरु नीच का हो या अस्त हो तो उसको लीवर खराब उसका रहता है, पीलिया उसके द्वारा होता है, पीलिया का रोग। शुक्र के द्वारा डायबिटीज होना ये शुक्र की प्रमुख बीमारी है। और शनि के द्वारा एक्सीडेंट होना, वायु विकार होना, लकुआ मार जाना और ये हड्डियों में जो जठराग्नि हो जाती है ना, ठंड में अकड़ जाती हैं, ये बात के कारण ये शनि का रोग कहलाता है। अच्छा, और राहु किडनी खराब करता है, किडनी का रोग राहु देता है। और इसका शनि के समान रोग होता है, शनिवत राहु कुजवत केतु। कैंसर भी जो है तो राहु के द्वारा होता है, मंगल के द्वारा भी होता है, और किडनी खराब जो है सो राहु के द्वारा होती है। केतु के विचित्र प्रकार के रोग होते हैं, यानी केतु के रोग जो है वो कभी किसी डॉक्टर के पकड़ से बाहर होते हैं। डॉक्टर केतु के रोगों को पकड़ नहीं सकता है, रोग है लेकिन उसके निदान में आता ही नहीं है, मशीन में नहीं आते। केतु की शांति के लिए डॉक्टर की दवाई काम नहीं करती, उसके लिए केवल मंत्र जप ही ये सबसे बड़ा साधन होता है। और केतु जब छठवां भाव रोग का होता है, ये साधारण रोग का भाव छठवां है, और छठवें से छठवां जो ग्यारहवां भाव है वो स्थाई रोगों का है। अगर ग्यारहवें भाव में सूर्य बैठा है तो स्थाई रूप से उसको शिरोवेदना या कोई हड्डी से संबंधित कष्ट स्थाई बना रहेगा। चंद्रमा बैठता है तो शनि, चंद्रमा बैठता है तो शीत के रोग देगा। जो ग्रह जैसा बैठता है तो स्थाई रोग देने वाला होता है। अब रहा छठवां भाव रोगों का है, तो ये रोगों के भाव को छठवां इस एक पाप भाव कहा जाता है, और ग्यारहवें भाव को भी पाप भाव कहते हैं। तो छठवें से छठवां ग्यारहवां भाव होता है, तो ये साधारण रोगों का है, वो स्थाई रोगों का है। चंद्रमा पर जब शनि की दृष्टि जाती है तो अस्थमा होना सुनिश्चित है। पहले सर्दी जुकाम होगा और फिर अस्थमा हो जाएगी। और शुक्र जिसका खराब है, नीच राशि का है या रोग भाव में बैठा है या ग्यारहवें भाव में बैठता है, तो ग्यारहवें भाव का शुक्र जो है स्थाई रूप से उसको मधुमेह की बीमारी देता ही है। गुरु अगर यदि नीच राशि का है, छठवां बैठा है या ग्यारहवें भाव में बैठा है, तो उसको पीलिया की शिकायत रहेगी और लीवर उसका खराब रहेगा। और यदि मंगल अगर ही बैठा है तो अग्नि से, करंट लगने से, अग्नि में जलने से या चोट चपट लगने से, खून निकलने से, एक्सीडेंट होने से ये रोग देने वाला मंगल होता है। और शनि जो है अगर ग्यारहवें भाव में है तो ग्यारहवें भाव का शनि यद्यपि सबसे अच्छा योग कारक होता है, लेकिन वायु विकार जरूर देता है, उसका पेट खराब रहेगा। पेट की खराबी जठराग्नि में कमी कराता है और वायु विकार देता है, उसको पेट दर्द हमेशा स्थायी रूप से रहेगा, क्योंकि ग्यारहवें भाव में शनि है, पंचम भाव पेट को देखता है, तो वो उसको ये पेट की शिकायत देने वाला होता है। और बुध अगर ग्यारहवें भाव में बैठता है तो उसकी जो बुद्धि है उसमें स्थायी रूप से कुछ भूला बुद्धि होता है, वो उसके भूलने की आदत होती है और कुछ पागलपन का उसका व्यवहार होने लगता है। गुरु बुध शुक्र शनि
और राहु अगर यदि छठवें घर ग्यारहवें भाव में बैठता है तो उसको भी शनि के समान रोग देने वाला होता है, वो भी पेट खराब करता है और जठराग्नि को कमज़ोर करता है और पाचन तंत्र में गड़बड़ी पैदा करता है और उसको किडनी खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इस प्रकार से ग्रहों से भावों का जो संबंध है वो आपको मैंने दर्शाया। तो रोगों का परीक्षण जब इनकी अब शांति कैसे हो, तो जो ग्रह जिस कारण से खराब है उस ग्रह की शांति वैदिक मंत्र से कराना चाहिए। सूर्य अगर खराब है तो सूर्य की शांति भी वैदिक मंत्र के द्वारा होना चाहिए। सूर्य के 6000 मंत्र होते हैं तो कलयुग में 6 × 24 चार गुना करना चाहिए, 24000 सूर्य का मंत्र जप कराने से हड्डी से संबंधित रोगों की शांति होगी और शिरोवेदना की शांति होगी। सूर्य का मंत्र क्या है? आ कृष्ण ओम आ कृष्णे नरदशा वर्तमानो निवेशयन्न मृतम मृतंच हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्चन्। तो ये सूर्य का मंत्र जप कराने से और एक ग्रह शांति होती है और उसमें दवाई काम करने लगती है। दवाई से ही रोग ठीक होते हैं, लेकिन वो जब तक कि मंत्र जप नहीं होंगे तो दवाई काम नहीं करती। इस प्रकार से नौ ग्रहों के मंत्र जप कराना चाहिए और छठवें भाव में और ग्यारहवें भाव में जो ग्रह बैठते हैं वो रोग के कारक होते हैं और इन रोगों की शांति के लिए मंत्र जब बताया गया। सब ग्रहों के अलग अलग मंत्र हैं जो समय के अनुसार मैं आपको प्रदर्शित करता रहूँगा, दर्शाता रहूँगा। और आशा है कि आप इस आज के एपिसोड को यह सो लाइक करेंगे, क्योंकि लाइक करने से मेरा मनोबल भी बढ़ेगा और आपके लिए ज्ञानवर्धन चीज़ें मैं बताता रहूँगा। हरिओम।